नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। कुछ नया आइडिया बताने का प्रयास करते हैं और हमेशा करते रहते हैं। देखिए, आज हम लोग कुछ एक रुपये वाला प्रोडक्ट जो टॉय का है वो चीज़ हम बताने वाले हैं। आप हमारे यहाँ देख रहे हैं इस प्रकार का एक पैकेट बना हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर जूम करके दिखाइए थोड़ा सा। ये इस प्रकार का ये प्रोडक्ट है जो एक रुपये सेलिंग का है। आप इसमें देखिएगा और कितना अच्छा पैकेट बना हुआ है। ये 60 पीस का पैकेट है जो लगभग 50% में माल आपका तैयार होने वाला है, ठीक है। इसमें कुछ मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना है और कुछ खर्चा भी नहीं है। आप इसको चाहिएगा तो 2 रुपये वाला भी बना सकते हैं, मगर ये फिलहाल 1 रुपये वाला बना हुआ है। आप यहाँ पर जूम करके दिखाइए। देखिए, ये स्टिक फैन है, ठीक है, और इसमें जेम्स डाला गया है, डुप्लीकेट जेम्स है बिस्कुट वाले, ठीक है। आप इसको हम दिखाने वाले अभी हैं। देखिए, इस प्रकार का ये फैन है। देखिए, ये घूमने वाला है और प्लस में देखिए एक पन्नी में करके डाल के इसमें टेप मारा गया है, ठीक है। इसमें जो है पन्नी में डाल के टेप मारा गया और इसमें 3 जेम्स डाला गया है। ये जेम्स कम दम वाली है, ये इसका अंदर में बिस्कुट निकलती है, डुप्लीकेट जेम्स है, ओरिजिनल जेम्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको 1 रुपये में देना है मार्केट में, तो आप देख रहे कि इस प्रकार का आप 1 रुपये वाला प्रोडक्ट बना सकते हो, मार्केट में सेल कर सकते हैं। और इसमें कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसमें सिर्फ क्या क्या ये पन्नी एक है, ठीक है। ये पन्नी में सिर्फ डाल देना है और डाल के इसको यहाँ से घुसेड़ देना है, घुसेड़ के यहाँ से टेप मारना है, बस इसमें यही सिर्फ काम है। और बच्चों लोग का 1 रुपया बिक जाए, क्योंकि देखिए अभी महंगाई का जमाना है, ठीक है। तो महंगाई में थोड़ा सा आपका भी पेट चलना चाहिए, सबका पेट चलना चाहिए, ठीक है। तो इसका बजट के अनुसार देख के बनाना है, ठीक है। तो ये 1 रुपये वाला प्रोडक्ट है, 2 का नहीं है, ठीक है। और इसमें लगभग 60 पीस है, ठीक है। ये 60 पीस का पैकेट बना हुआ जो ये मार्केट में इसका जो सेलिंग प्राइस है 40 से 45 रुपया है। आपका ये मार्केट में 35 रुपया 36 रुपया में माल आपका तैयार होगा। आप होलसेलर की इसको 40 में दीजिए, वो 45 में बेचेगा और टोटल उठेगा 60 रुपया, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रोडक्ट बना के आप बाजार में जाके सेल कर सकते हैं। सिर्फ क्या है, सिर्फ आपको मेहनत करना है, ठीक है। मेहनत सिर्फ कीजिएगा तब आगे बढ़िएगा, ठीक है। मेहनत के पीछे कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेहनत जितना कीजिएगा समझिए आपका सफलता उतना मिलते चल जाएगा। आपको सिर्फ मेहनत करना है, सिर्फ मेहनत करना है, ठीक है। रिजल्ट अपने आप आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ समय लगेगा और इंतज़ार भी करना पड़ेगा। 1 महीना 2 महीना के बाद आपका रिजल्ट आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा, मतलब कि हाँ रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में जाइएगा मार्केट में तुरंत रिस्पॉन्स आएगा। देखिए, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट में जब जाइएगा ना तो 1000 प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा, 1000 प्रकार का प्रोडक्ट मिलेगा। उसको देखिएगा किस प्रकार से अगला बनाया, वहाँ से आप आइडिया लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से आइडिया जो लीजिएगा, तो वहाँ से आइडिया जब लीजिएगा ना, तो वही आइडिया आपको ज़्यादा काम करेगा। मेरा आइडिया तो चलता ही रहेगा, ठीक है, मगर आप मार्केट का जो आइडिया लीजिएगा ना, क्योंकि मार्केट के अनुसार, अपना प्लेस एरिया के अनुसार आपको प्रोडक्ट बनाना है। ऐसा नहीं कि हमारे अनुसार बनाना है, हम तो बताएंगे 1 रुपया 2 रुपया हर प्रकार का बताएंगे, मगर आप अपना इलाका देखिएगा, ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाका है, किस प्रकार से आप बनाइएगा, ठीक है। वो वहाँ का इलाका आपका डिमांड के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसा मार्केट में गए दुकानदार बोला भैया आप इस प्रकार का प्रोडक्ट बना के लाइए, ठीक है, तो आपको उस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो आपको 1 महीना 2 महीना समझने में लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आप गए मार्केट में तुरंत प्रोडक्ट आपका चलने लगेगा, आपको मार्केट के अनुसार ढालना पड़ेगा, उसी ढलान के अनुसार बढ़ना पड़ेगा। जैसे आप देखते हैं, जैसे पानी को झूल दीजिएगा ना, जिस रास्ता से पानी जाएगा अगर बीच में ठोकर पड़ेगा तो रास्ता क्या करता, कट जाता और फिर अलग से बहने लगता है। ऐसा नहीं कि पत्थर को काट के ही आगे बढ़ना, नहीं, पानी की तरह बनिएगा ना, तो जैसे पानी ढलेगा आगे, ठीक है, तो वो जाने देखता रास्ता उधर मुड़ जाता। तो उसी प्रकार से आप जब मार्केट में जाइएगा ना, तो मार्केट में जिस प्रकार का प्रोडक्ट खोजेगा उसी प्रकार से आपको ढलना है और उसी अनुसार आपको देना है, तब आपका बिजनेस चलेगा। ऐ नहीं कि हम बोल दिए आपको उसी प्रकार से बनाना, नहीं, मार्केट के अनुसार ढलना है। जिस प्रकार से पानी जहाँ झूल दीजिएगा, जन ढलाव मिलेगा उधर ढल जाएगा, उसी प्रकार से आपको भी मार्केट में जब जाइएगा, जिस प्रकार से प्रोडक्ट खोजेगा उस प्रकार से प्रोडक्ट आपको बनाना है और उसी रास्ता में ढलते हुए चलते जाना। देखिएगा, मंजिल जरूर मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि मंजिल नहीं, मंजिल मिलेगा, मगर वक्त लगेगा, समय लगेगा और उसके बाद सफलता भी मिलेगा, ठीक है। आप घर बैठे मत रहिए, ठीक है, प्रयास करते रहिए, महिलाओं लोग का रोजगार देते रहिएगा और रोजगार कीजिए और रोजगार देने का भी प्रयास कीजिए, बेरोजगारी खुद हटेगा, ठीक है। आप हटाने का प्रयास कीजिएगा तब हटेगा,
ठीक है। तो आप मेहनत कीजिए, कम पूंजी जितना से भी आपको इन्वेस्ट करने का मन है उतना से कीजिए, ठीक है। और इसमें हम क्या ज़्यादा बताएं, आप खुद समझदार हैं। धन्यवाद।